नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नौ एक लाइबेरिया की शिप को हाईजेक कर लिया है सोमालिया का जो एक पुटलैंड एरिया है, जो अपने आप को एक अलग देश बोलते हैं 1998 से, वहाँ के डाकुओं ने। आप मैप में साफ तौर से देख सकते हो कि ये एरिया कहाँ पे है। अब देखो रेड सी के ये ऊपर साइड में है, तो ये जो सोमालिया का कोस्ट है वहीं पर इसको हाईजेक किया गया है। इसमें इंडिया का इंटरेस्ट ये जुड़ा हुआ है क्योंकि जो 15 क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे और INS कोचिन इसके पीछे जा रहा है इसको जल्दी से टेक ओवर करके यहाँ से छुड़ाने के लिए इनको, और ऊपर से जो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है वो भी उड़ रहा है और क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है। लेकिन इन सब सिचुएशन में क्या है कि उन लोगों की जान तो खतरे में है ही है, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसा हुआ था जब बुल्गारिया की शिप को इन लोगों ने हाईजेक कर लिया और उसमें एक क्रू मेंबर को गोली भी मार दी थी, हालांकि उसकी जान बचा ली थी इंडियन नेवी ने बाद में उसको रेस्क्यू करके। लेकिन अभी क्या है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी टैकल करना होगा, नहीं तो ये लोग क्या है कि रिटेलिएट करने लगते हैं, और जो कि इनके पास हथियार नहीं होता है और इनकी शिप को क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि अगर ये रिटेलिएट करेंगे सामने से किसी ने मिसाइल मार दी तो शिप पे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पानी वगैरह भर जाएगा। वैसे ये बहुत बड़ी शिप है, यम्बी लीला नॉरफोल्क नाम है इसका, और इस पे जो फ्लैग लगा हुआ था वो लाइबेरियन फ्लैग था, तो इस वजह से इंडिया की तो शिप नहीं है लेकिन इंडियन क्रू मेंबर्स चला रहे थे। और वैसे भी जब मैरीटाइम का कोई सीन होता है तो उसमें सारे देश मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इंडियन नेवी की जो INS कोची है वो इसके पीछे जा रही है, और वैसे भी अरेबियन सी में और रेड सी में इंडिया ने बहुत ही ज्यादा INS डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से सोमालिया के साइड में सब हो रहा है। सोमालिया के डाकू कह देंगे कि जी हम डाकू हैं, लेकिन असली में ये सब हूतीस ही है और पीछे से मिले हुए हैं ईरान से, क्योंकि ये लोग गजा का सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इधर से कोई भी शिप ना जा पाए। जब ट्रेड इधर से बंद होने लगेगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी इजराइल के ऊपर प्रेशर डालेगी और इजराइल को मजबूरी में और रुकना पड़ेगा गजा के अगेंस्ट। लेकिन इन सब के बीच में ये बहुत बड़े बड़े देशों से इस तरह से पंगे ले रहे हैं। इंडियन नेवी ने इनको कई बार धरा भी है और अच्छे से धरा है, प्रॉपर इनको अरेस्ट कर लिया है, जेल में डाल दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरने वाले नहीं है क्योंकि इनके देश में तो कुछ है नहीं। पुटलैंड जो है वो 1998 से कहता है कि मैं एक अलग देश हूँ, मैं सोमालिया का हिस्सा नहीं हूँ, जिस तरह से सोमालीलैंड है वो भी कहता है 1992 से कि मैं अलग देश हूँ, मैं सोमालिया का हिस्सा नहीं हूँ। हालांकि सोमालियन गवर्नमेंट कहती है कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, सब हमारे ही हिस्से हैं।